होम रूम की किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, ज़बरदस्ती मज़ेदार कढ़ी, जिसके लिए हमने दही लेंगे, हम एक प्याली बेसन, प्याज लहसुन पिसा हुआ है वो लेंगे, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, इन सब चीज़ों को पहले पीस लेंगे। तो चले अब हम पीसते हैं। ये सब चीज़ें हमने धो ली हैं अच्छे तरीके से, इसको हम करेंगे अभी पहले पीसेंगे। हरी मिर्चें, प्याज और कड़ी पत्ता, लहसुन पहले से पिसा हुआ है हमारे पास, थोड़ा सा पानी लेंगे। सारी चीज़ें हमने ये पीस ली हैं, अब हम अपनी पतीली में डालेंगे और पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ें डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, और हल्दी डाली है आधा चमचा, एक चमचा हमने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं और लहसुन डाला है इसके अंदर, नमक हसबे ज़रूरत, और हम पानी डाल देंगे इसके अंदर ज़्यादा और अच्छे तरीके, और एक प्याली जो हमारी बेसन की थी हमने वो डाल दी। अब हम इसको मिलाएंगे। दही लिए हमने, दही लिए एक प्याली, गाढ़ा हमारा गाढ़ी दही है तो हम लोगों ने एक प्याली ली है, जितना खट्टा आप लोग रखना चाहते हो उसके हिसाब से आप लोग दही ले लें। तो अच्छे तरीके से हम मिलाएंगे दही को अपनी, इसको अच्छे तरीके से हम इससे मिलाते रहेंगे ताकि सब फुटकियाँ और वो निकल जाए, मेल्ट हो जाए सब ये। अब हम इसको तेज़ आँच पे पकाएंगे, फिर हल्की आँच पे रखेंगे। अब हम इसमें जोश आएगा जब तक हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। मिर्चें हमने चखी हैं तो कम लग रही हैं, हमने मिर्चें और डालेंगे इसमें, और अपना नमक भी डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, और पानी हमने जो है ले लिया है अपनी पतीली भर के, इसको हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। पानी हमने लिया था इसको भर के, अब इसको 5-6 घंटे पकाएंगे, जोश आने देंगे जब तक। अगर इसका हल्दी इसमें कम लगे, येलोपन इसमें कम लगे, येलो नहीं हो रही है, तो उसमें हम लोग हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्दी और डालेंगे। बेसन लिया है हमने पकौड़ों के लिए 1.5 प्याली, इसके लिए हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, अभी हरा धनिया पुदीना भी डलेगा, कड़ी पत्ता डलेगा, और हसब ज़रूरत नमक, एक चमचा जो है मिर्चें पिसी हुई, कुटी हुई मिर्चें ली हैं, और ज़ीरा लिया है, ये सब हम इसमें डाल देंगे। ये हमने अपना इसमें डाल दिया है सारा, और हम इसको मिलाएंगे अच्छे तरीके से, और पिसा हुआ लहसुन भी डालेंगे हम को अच्छे तरीके से मिलाकर। इसको पानी डाल के गाढ़ा गाढ़ा बेसन घोल देंगे जब तक, ये देखें जब तक कढ़ी पक रही है अच्छे तरीके से। इसको हम भिगो के रखेंगे, इसमें हरा धनिया पुदीना कड़ी पत्ता काट के और हरी मिर्चें काट के रखेंगे इसको। इसको अच्छे तरीके से कढ़ी को 4-5 घंटे पकाएंगे। इसको देखें ढक देते हैं, फिर बार बार इसमें चमचा चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। उधर इसको हम भिगो रहे हैं बेसन को, अपना बेसन भिगो दिया था। कढ़ी हमारी देखें इतनी पककर आधी हो चुकी है, अभी हम इसको और पकाएंगे। जब तक हमने अपनी प्याज चकोर खाने की काट ली थी, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता कट किया था, हरा धनिया थोड़ा सा लिया है, और हमने फ्रेश फ्रेश पुदीना लिया है, हरा धनिया, इन दोनों को धोकर कट करके वो भी रख लेंगे। ये सब इसमें मिलाएंगे हम लोग, जब तक इसको आधे घंटे और पकने देंगे। अपना ऑयल गर्म करेंगे कढ़ाई में पकौड़े तलने के लिए। अच्छे तरीके से पक चुकी है, अभी और पकेगी। नमक चेक करके इसमें नमक डालेंगे, अगर हमें नमक कम लग रहा है तो उसके अंदर। ये देखें पुदीना हम तोड़ रहे हैं, हरा धनिया पुदीना दोनों को धोकर फिर हम कट करेंगे इसमें डालने के लिए। ख़राब हम अपना देख के हटा देंगे, गला हुआ जो भी होगा, वैसे तो साफ़ सुथरा है। इसको धोएंगे, कट करके डालेंगे, जब तक ये कटिंग हुई भी चीज़ें हम ये डालेंगे इसके अंदर, अपनी प्याज चकोर खाने की हमने काट ली थी। हरी मिर्चें आपको ज़्यादा पसंद हो तो वो ले लें, 2 अदद छोटी प्याज ली है, बड़ी हो तो आधी। थोड़े से पत्ते कड़ी पत्ते के लिए हैं, वो कट कर दिए हमने छोटे छोटे, वो करके डाले हैं कट। और अब हम हरा धनिया पुदीना कट करेंगे। इसको इस तरीके से मिलाकर बारीक बारीक काट लेंगे। और बारीक कर लेंगे इसको, तो पत्ते रह जाएंगे। इसमें हम अपना पुदीना भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से
मिलाएंगे हम। काफी देर से भिगोए हुआ था तो ये और गाढ़ा हो चुका है। देख के अपने हिसाब से तलते हुए टाइम पकौड़े या फुलकियाँ, तो आप जब इसमें पानी डालें, नमक चेक करें जरा सा तल के, एक उसको मिलाएं। ये देखें, अब हम इसको दूसरे साइड पे कर देंगे जब तक ये और पकेंगे। इधर हम अपनी फुलकियाँ तैयार करेंगे, इसको रख देंगे, भी हल्की आंच पे पकती रहेगी ये। ये देखें, ऑयल हमने अपना रख दिया पकौड़ों के लिए गर्म होने के लिए, और इधर कढ़ी पक रही है हल्की आंच पे। अभी हम इसको और गाढ़ा करेंगे कढ़ी को, पकौड़े तलेंगे। ये देखें, यहाँ पर कढ़ी पक रही है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी फुलकियाँ डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया अच्छा खासा, तो उसको करेंगे पहले हल्का इसकी आँच, नमक चेक करेंगे थोड़ी थोड़ी डाल के, छोटी छोटी सी डालेंगे, छोटी छोटी अच्छी लगती हैं और ज़ाया भी नहीं होती। छोटी छोटी डालेंगे हम फुलकियाँ या पकौड़े, वरना बड़ी बड़ी होती हैं तो जिसको पसंद नहीं आता, जिसको अच्छी नहीं लगती, वो आधी आधी छोड़ देते हैं खाने में, फिर बच जाती हैं ये। तो हम बिल्कुल छोटी छोटी डालेंगे। ये देखें, ये भी बड़ी हो रही है, पहले से हमारा बेसन इसमें भीगा हुआ था तो ये और अच्छे तरीके से बेसन हमारा फूल गया है। चूल्हा हमने इसका बंद कर दिया है, गाड़ी हो गई है कढ़ी, पकौड़े हम लोग तल रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त चटकारेदार सी तैयार हो गया इसका केमाम। अब हम पकौड़े तल रहे हैं, पकौड़े तल तल के पहले डालते रहेंगे चूल्हे पे से हटाकर, या तो एक साथ जमा करके डाल देंगे हम। यहाँ हमने कढ़ी पत्ता धो के रखा हुआ है साबुत मिर्चे भगार के लिए, और जीरा रखा हुआ है, इसका हम भगार इससे बनाएंगे। ये देखें, इसमें से अब हम लोग निकाल रहे हैं, पकौड़े हमारे सिक चुके हैं। ये देखें, कढ़ी में हमने पहले डाल दी थी, अब जितनी भी पकौड़ियाँ थी हमारे, तली हुई फुलकियाँ पकौड़े जो भी कह लें, वो सब हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें चमचा चलाएंगे। रखे रखे हमारी कढ़ी गाढ़ी भी हो गई है, इधर हमारे चावल भी बॉयल हो गए हैं, इधर कढ़ी को हल्का सा ठंडी हो गई थी तो थोड़ा सा पानी का कतरा डाल के हमने गर्म करने के लिए कढ़ी को रखा है। इधर हम अपना भगार बनाएंगे अपना फ्राई पैन लेकर, इधर हम अपना भगार बना रहे हैं। इधर बस थोड़ी सी कढ़ी पक जाए तो इसका हम करेंगे चूल्हा बंद, वरना ज़्यादा फुलकियाँ ख़राब हो जाएंगी। देखें, भगार कर लिया हमने, कढ़ी चावल हमारे रेडी हो गए। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आया इसके अंदर रेसिपी के रेसिपी को बनाने में। चावल भी हो उसके साथ तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है, रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट में बताइएगा। कढ़ी और चावल खा के हमें बताइएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।